स्कंद षष्ठी को भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय यानी कि भगवान स्कंद की पूजा की जाती है। ये दक्षिण भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। यहाँ लोग कार्तिकेय जी को मुरुगन नाम से पुकारते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस बार बुधवार 16 जून यानी आज स्कंद षष्ठी मनाई जा रही है। चलिए आपको इसके महत्व और पूजन विधि की बताते हैं, पूजा विधि की जानकारी देते हैं अपने इस रिपोर्ट में। बता दें आपको कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी असुरों के नाश की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा अर्चना करने से उनके भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। प्रत्येक वर्ष आने वाले इस 6 दिवसीय उत्सव में सभी भक्त बड़ी संख्या में भगवान कार्तिकेय के मंदिरों में इकट्ठा होते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। पूजन विधि की बात की जाए तो बता दें आपको कि इस दिन श्रद्धालु स्कंद षष्ठी का उपवास करते हैं। व्रत करने वाले लोगों को भगवान मुरुगन का पाठ, कांता षष्ठी, कवसम और सुब्रमण्यम भुजंगम का पाठ करना चाहिए। भगवान मुरुगन के मंदिर में सुबह जाकर उनके पूजा करने का विधान है। उपवास के दौरान कुछ भी ना खाएं। आप दिन में सिर्फ एक बार भोजन या फलाहार कर सकते हैं। 6 दिनों तक चलने वाले इस पर्व पर सभी दिन उपवास करना अच्छा माना जाता है। दक्षिण भारत में कई लोग इस पर्व पर नारियल पानी पीकर भी 6 दिनों तक उपवास करते हैं। इस दौरान व्रत करने वालों को झूठ बोलने, लड़ने झगड़ने से परहेज करना चाहिए। स्कंद षष्ठी पर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात का जाप करना बेहद अच्छा माना जाता है, बेहद शुभ माना जाता है। स्कंद षष्ठी में शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो बता दें आपको कि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 15 जून 2021 के मंगलवार की रात को 10 बजकर 56 मिनट से 16 जून 2021 के दिन बुधवार को रात 10 बजकर 45 मिनट पर समाप्त होगा। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट स्पेशल रिपोर्ट।